बीड सेटल को हरी झंडी दिखाकर विधायक नारायण पटेल ने रवाना किया। हम आपको बता दें कि पिछले दिनों राजनीतिक पार्टियों ने शटल ट्रेन चलाने के लिए ज्ञापन सौंपे थे। इसके बाद भोपाल डिवीजन के प्रस्ताव बनाकर रेलवे मंत्रालय को भेजा था। बुधवार को रेलवे के जनसंपर्क विभाग ने संचालन करने के लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं। हालांकि शटल का किराया एक्सप्रेस का कर लिया जाना बताया जा रहा है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष गाड़ी बीड खंडवा बीड शटल स्पेशल ट्रेन की सेवा दिनांक 2 जुलाई आज आगामी सूचना तक के लिए बहाल कर दी है। गौरतलब है कि कोविड-19 संक्रमण और लॉकडाउन की वजह से रेलवे प्रशासन ने 24 मार्च से अधिकांश ट्रेनों को रद्द कर दिया था, जिसमें खंडवा बीड शटल भी शामिल है। संत सिंगाजी समाधि स्थल पर नज़दीक है, पर्यटन की दृष्टि से हनुमंतिया भी नज़दीक है, इस वजह से यहाँ दूर दराज से लोग आते हैं। ऐसे में हम शटल को जल्द चालू करना चाहिए। जिसे रेल प्रशासन ने शुक्रवार शटल बीड खंडवा शटल शुरू कर दिया गया है। मुंशी से शाहरुख मंसूरी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।